नमस्कार बागवान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एप्पल्स ऑर्चर्ड पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा व्लॉग जिसमें हम आपको पिंक बड पर दी जाने वाली सभी स्प्रेस की जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। आइए बात करते हैं पिंक बड पर दी जाने वाली स्प्रेस के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेब के बगीचों में आजकल पिंक बड स्टेज चल रहा है, तो हमारे बागवान भाई चिंतित भी होंगे कि इस स्टेज पर कौन सी स्प्रे दी जाए। दोस्तों, इस स्टेज पर आमतौर पर जो स्प्रे दी जाती है वो है बोरिक एसिड की। दोस्तों, बोरिक एसिड की स्प्रे एक ऐसी स्प्रे है जो सेब के बगीचों में साल में केवल एक बार ही दी जाती है और वह भी पिंक बड स्टेज पर ही दी जाती है। दोस्तों, बोरिक एसिड को लिक्विड फॉर्म में दिया जाना ही कारगर माना जाता है, हालांकि यह पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। यदि आपके पास बोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध ना हो तो आप बोरिक एसिड को पाउडर फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बोरिक एसिड का पिंक बड स्टेज पर क्या काम है। दोस्तों, बोरिक एसिड को यदि पिंक बड स्टेज पर किया जाए तो यह पोलन ट्यूब को ज़्यादा समय तक खुला रखता है, जिससे कि फ्रूट सेटिंग में बहुत मदद मिलती है। बागवान भाइयों, हम बात करें इसकी मात्रा की, तो ये 200 लीटर पानी में 250 ग्राम डाला जाता है। और दूसरी बात बागवान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि पिंक बड स्टेज पर बोरॉन ना करें, बोरिक एसिड करें। बहुत से हमारे बागवान भाई इस कंफ्यूजन में हैं कि बोरॉन और बोरिक एसिड सेम चीज़ है, तो दोस्तों ये अलग चीज़ है और पिंक बड स्टेज पर आपको बोरिक एसिड ही करना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बोरिक एसिड के साथ मिलाए जाने वाले कंपोनेंट्स के बारे में। दोस्तों, यदि आपके बगीचे में थ्रिप्स की प्रॉब्लम रहती है तो आप बोरिक एसिड के साथ 100 ml अलांटो मिला सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि थ्रिप्स की शिकायत ज़्यादा धूप वाले पोर्शन में रहती है, नमी वाले पोर्शन में थ्रिप्स का कम प्रभाव रहता है, तो आप 250 ग्राम बोरिक एसिड के साथ 100 ml अलांटो का प्रयोग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बोरिक एसिड के साथ मिलाए जाने वाले दूसरे कंपोनेंट के बारे में। दोस्तों, यदि आपके बगीचे में कोर रॉट की समस्या है तो आप बोरिक एसिड के साथ बेविस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बेविस्टीन उपलब्ध ना हो तो बोरिक एसिड के साथ रोको का प्रयोग भी किया जा सकता है। दोस्तों, कोर रॉट की समस्या से निजात पाने के लिए स्कोर भी कारगर सिद्ध हो सकता है, तो आप स्कोर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि स्कोर आपको सिंगल ही करना है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके बगीचे में बीमा बहुत वीक है तो आप 1261 एक फर्टिलाइजर आता है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, 1261 लगभग 800 ग्राम से 1 किलो लगभग 200 लीटर पानी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, 1261 में 12% नाइट्रोजन होता है और 61% फॉस्फोरस होता है। 1261 आपके पोलन ट्यूब को स्ट्रॉन्ग करता है और बीमे को मजबूत भी करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपके बगीचे में कोर रॉट की समस्या है तो आप 250 ग्राम बोरिक एसिड के साथ 100 ग्राम बेविस्टीन मिला सकते हैं और साथ ही साथ बीमे की मजबूती के लिए 1 किलो 1261 मिला सकते हैं और साथ ही साथ चिलेटेड फॉर्म में 200 ग्राम जिंक भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपके बगीचे में थ्रिप्स की समस्या है तो 250 ग्राम बोरिक एसिड के साथ 100 ml अलांटो का प्रयोग किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। थैंक यू।